वेलकम टेक बेटे गुरु, मैं आपका विकास अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज की हमारी जो टैली अकाउंटिंग क्लास चलेगी उसमें क्लास नंबर 6 है। इसमें हम आज आपको बताएंगे कि कंपनी के जो और फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं जो कि आपको F11 दबाने के बाद मिलते हैं। तीन फीचर आपको मिलते हैं, तो मैंने दो फीचर आपको कल की वीडियो में समझाए थे पार्ट नंबर 5th में। तो आज ये पार्ट नंबर 6 की क्लास है, इसमें आपको फीचर नंबर बताएंगे जो टैक्स का फीचर है उसको किस प्रकार एक्टिवेट करते हैं और किस लिए एक्टिवेट करते हैं, कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है, वैट टैक्स वो किस प्रकार से उसको यूज करते हैं, ये सुनो। तो उस फीचर के बारे में देखेंगे डिटेल में हिंदी में पूरा, और उसके बाद बताएंगे आपको किस प्रकार से आपको जो ग्रुप होते हैं आपके, इसमें ग्रुप बनते हैं आपकी कंपनी में, तो किस प्रकार से ग्रुप को क्रिएट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जिनको PDF की नोट चाहिए हिंदी में वो बाय कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, तो बाय कर सकते हैं, आपको PDF की नोट मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें जिससे आपको डेली एक वीडियो आपको मिलती रहेगी टेली की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंपनी की बात करें तो हमने कल इसमें दो कंपनी आपके सामने क्रिएट की थी, तो वही दो कंपनी आप एक्टिवेट हैं। तो कोई भी कंपनी लेते हैं और उसके अंदर जाके फिर हम लोग फीचर को एक्टिवेट करना सीखते हैं और क्या क्या फीचर होते हैं उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फीचर को ऑप्शन मिलता है F11 और कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग को F11 जाना है, तो F11 दबा दें कंप्यूटर से, तो आपको कंपनी के फीचर एक्टिवेट हो जाएंगे। इसमें हम लोग अकाउंटिंग फीचर के बारे में कल आपको बता दिया था ये सारे फीचर, और इन्वेंट्री और स्टेटरी के फीचर के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो इस फीचर को ओपन करते हैं, तो इसमें आपका है स्टेटरी और टैक्सेशन, तो दो फीचर आपको इसमें मिलते हैं। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे आप देखें, इनेबल डीलर एक्साइज है और फॉलो एक्सरसाइज रूल। तो इसमें क्या क्या मतलब होते हैं इनके बारे में डिटेल हम लोग देखते हैं। तो नोट्स पे चलते हैं, PDF पे आपको दिखाते हैं क्या इसमें किस प्रकार से है। तो ये टैक्सेशन फीचर ऑफ कंपनी, तो यह फीचर हमें कंपनी में के संचालन हेतु आवश्यक स्टेशनरी फीचर यानी कि वैधानिक फीचर सेट करने की सुविधा देता है। यानी कि यहाँ पे है कंपनी क्रिएशन में जो आपका स्टेशनरी कंप्लीशन है फील्ड के अंतर्गत कंट्रीज की लिस्ट आपको दी गई है, यानी देश की लिस्ट आपका ऑप्शन मिलेगा उसमें। और इसमें कंपनी फीचर में आपको मिलेगा क्या, F3 यहाँ पे दिया गया दबाने के अनुसार ये ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको विंडो मिलेगी जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया, इस प्रकार से इसी कलर की। तो इस तीनों में अलग अलग कलर है, आप जरूर ध्यान रखें, आप देखेंगे तीनों में कलर अलग है जिससे कि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यस नो लिखा हुआ है, इसको आपको अपने अनुसार वर्क के अनुसार उसमें चेंज करना होता है। तो उसको देखते हैं कि इस प्रकार से है। तो पहला नंबर है आपका इनेबल डीलर एक्साइज सेट ऑब्लिक अल्टर डीलर एक्साइज डिटेल। अब इस मतलब एक एक पॉइंट को समझें, ये क्यों यूज किए जाते हैं, क्यों उनका यस और नो किया जाता है। तो डीलर फीचर के लिए एक्साइज को इनेबल ऑब्लिक परिवर्तन करने के लिए यस पर सेट करें, यानी कि डीलर फीचर आपको अगर एक्टिवेट करना है, कोई डीलर से आप डील कर रहे हैं उसके बारे में अगर आपको इसमें करना है तो उसके लिए आपको यस पे क्लिक करना है। सेकेंड यहाँ पे ऑप्शन है फॉलो एक्साइज रूल फॉर इनवॉइसिंग, यानी कि एक्साइज नियमों के पालन हेतु इसको यस पे आपको सेट करना है और कंपनी एक्साइज डिटेल इसकी नियमानुसार प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे फीचर आपको जो है वो यस पे आपको करना है, यहाँ पे नो लगे हुए हैं यहाँ पे आपको यस पे करना है। और क्या यहाँ पे इनवॉइस पर प्रिंट करने हेतु उपरोक्त एक्साइज इन्फॉर्मेशन प्रदान और सेव के लिए आपको यस पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपका क्या है, इन जब तक आप यस पे नहीं करेंगे तब तक ये प्रिंट नहीं होंगी, आपके जो इनवॉइस वगैरह हैं और एक्साइज वगैरह हैं और ये आपके डीलर है, ये डीलर एक्साइज ये सारे इनेबल नहीं होंगे जब तक आपको यस पे क्लिक नहीं। तो आपको फीचर एक्टिवेट करने होते हैं, उसके बाद उसको नो भी कर सकते हैं, आप नो करते हैं तो आपको वो ऑप्शन लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपका इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट वगैरह आपको यूज करना है, तो कंपनी के लिए वैट फीचर इनेबल करने के लिए इस ऑप्शन को सेट करें। जब सेट ऑब्लिक वैट फीचर में यस टाइप करेंगे तो ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो वैट डिटेल डाली, स्टेट कर्नाटका, टिन नंबर आ गया उनका और उसमें वैट अगर आपको ऐड करनी है तो इस प्रकार से। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये आपको वैट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे 3rd नंबर पे, आप इसको आप यस कर देंगे तो ये आपका फीचर एक्टिवेट हो गया। तो इस प्रकार से इसको ऐड करते हैं और जो भी आपका वैट वगैरह हो टैक्स इन्फॉर्मेशन उसको यहाँ पे एस कर देंगे तो ये आपका एक्टिवेट हो गया फीचर। अब जहाँ पे कंपनी में आप काम करेंगे जाके उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पे जब ऑप्शन फिट करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन आपको वहां पे दिख जाएगा क्योंकि आपने आपने यस क्लिक किया है। तो इसके बारे में बाद में देखेंगे, पहले चलते हैं डिटेल में। तो वैट की डिटेल होगी यहाँ पे स्टेट, इस प्रकार से आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। तो इस स्क्रीन में स्टेट ऑब्लिक टाइप ऑफ डीलर आपका लिखा हुआ है और वैट एप्लीकेशन फॉर्म में वैट संबंधी ब्यौरा भी आपको दिया जाता है, तो इसको यस करेंगे तभी आपको ही मिलेगा। उसके बाद डी में आपका इनेबल सर्विस टैक्स, तो कंपनी के लिए सर्विस टैक्स फीचर के इनेबल करने के लिए आपको यस पे क्लिक करना होगा। तो आपको जब वो इस चीज की जरूरत है तभी आप उसको यस करते हैं, वहां पे आपको ऑप्शन सारे दिए गए। तो ये बेसिकली यस और नो करने के, ये कंपनी की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार कंपनी है, लोकल कंपनी है या फिर आप बड़े डील कर रहे हैं, तो उसके अनुसार है कि उसको टैक्स देना है कि नहीं आपको देना है।
वैट लगाना है उस पर, तो उसके अनुसार आपको करना होता है। उसके बाद इनेबल टैक्स डेडिकेटेड एट सोर्स, यानी कि यह टैली के विभिन्न फीचर में से एक है। यह सुविधा हमें सर्विसेज इनकम्स के निर्दिष्ट प्रकार यानी ITS के निर्धारित की गई दरों आधार पर सरकार के इनकम टैक्स के TDS की पनौती प्रदान आपको करता है। तो इस फीचर के अनुसार आप ये कर सकते हैं। उसके बाद इनेबल टैक्स कलेक्टेड ऑफ सोर्स, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आप दे सकते हैं। इनेबल टैक्स कलेक्टेड ऑफ सोर्स, अभी सारे ऑप्शन यहाँ पे नो पे हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें आपको क्या है, कंपनी के लिए TDS फीचर को इनेबल करने के लिए यस पे सेट करें, तो आपको जब करना है तभी आप करें, बाकी बाय डिफॉल्ट ऑप पे नो रहने दें। उसके बाद अब इनेबल फ्रिंग बेनिफिट है और उसका टैक्स इन्फॉर्मेशन है, तो इस कारण में यहाँ पे आपको फील्ड उपलब्ध मिलती है। इसमें टिन नंबर, स्टेट नंबर, लोकल टैक्स वगैरह, पैन नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें डालने को आपको मिलती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको टैक्स वगैरह का सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। टिन नंबर वगैरह यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद है आगे चलते हैं, तो इस प्रकार से है वैट वैट टिन आपका क्या है, इस फील्ड में वांछित डेटा रखें। इस चित्र में आपको यहाँ पर दिखाया गया, इसलिए मैंने आपको डायग्राम भी डाल दिया जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। टाइप ऑफ डेलर किस प्रकार का रेगुलर है और उनका वैट नंबर जो हो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। लोकल सेल टैक्स नंबर है यहाँ पे कंपनी के दौरान प्रवेश किए जाने वाले लोकल सेल टैक्स नंबर इस फील्ड में आपको प्रदर्शित करने होते हैं। तो ये सारे डिटेल में इनकम दिए, और बाकी पैन कार्ड के लिए तो पैन कार्ड का नंबर अगर डालना है आपको, वो भी यहाँ पे 10 अंक आप इसमें डाल सकते हैं जब इस फीचर को एक्टिवेट करेंगे। तो ये सारे फीचर यहाँ पे दिए गए हैं, सिंपल सा आपको उसको एक्टिवेट करके उनको यूज करना है। कोई पैन वगैरह हो तो पैन वगैरह यहाँ पे डाल देंगे और इसको आप रेगुलर की तरीके से यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने नो किया तो ये फीचर जो नीचे आपका टैक्स वाला गया ऑप्शन हट गया। यहाँ सारा आप यस करेंगे, देखेंगे आप सारे नीचे जो फीचर है वो एक्टिवेट होते जाते हैं। अब ये यहाँ पे किस प्रकार से आ गया, कंपनी एक्साइज डिटेल आ गई, यहाँ पे आपको डालनी है। तो जैसे आप यस करेंगे वो सारे फीचर आपके सामने एक्टिवेट हो जाएंगे, नीचे आपका एक्टिवेट हो जाएगा इस प्रकार से, फिर आप उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। बाकी आप नो पर रहने दें, बाकी क्योंकि आपका बाय डिफॉल्ट जो है, अब यहाँ पे कंपनी TDS के बारे में आपको डालना है, इसी कंपनी के TDS में आपका सारी चीजें आपकी ऐड हो जाएंगी, टैक्सेशन नंबर वगैरह है। तो अभी इसमें हम कोई चेंजमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी हम इसमें कुछ काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं तो उसके तौर पर है। तो इस प्रकार उसको एक्टिवेट करते हैं, जब आपके डिमांड हो, कंपनी के रिक्वायरमेंट हो, उसके अनुसार आप वहां पे चेंज करके उसमें पॉलिसी को ऐड करा सकते हैं। तो ये था आपका फीचर एक प्रकार का, जिसमें आप टैक्स वगैरह और चीजें जो थी आपको उसको अगर आपको ऐड करना है तो उसको यस कर दें और उसकी डिटेल वहां पे फिलअप कर दें। जैसे आप यस करेंगे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा और वहां पे उसकी डिटेल फिलअप कर दें, कंपनी का नाम, टैक्स नंबर, पैन नंबर, और वो आपका ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा, प्रिंट होकर आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका एक फीचर बेसिकली। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसमें किस प्रकार से आपको ग्रुप, ये जब PDF देंगे आपको, PDF बाय कर लें, काफी अच्छी PDF है, आपको डिटेल में समझ में आएगी। आगे चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज ग्रुप एंड हाउ टू क्रिएट ग्रुप एंड टैली। तो ग्रुप होता क्या है और ग्रुप को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं उसको भी देखते हैं। तो ग्रुप आप समझ रहे हैं, ग्रुप एक समूह होता है आपका एक प्रकार से। तो ग्रुप एक ही तरह के लेजर का संग्रह होता है, हम एक ही तरह के लेजर या कंपनी पर प्रभाव देखने के लिए ग्रुप को बनाते हैं। उदाहरण के लिए सभी सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट ग्रुप में लेते हैं। उसके बाद आपका क्या, टेली ERP 9 पहले ही पूर्व 28 पूर्व निर्धारित ग्रुप होते हैं, जिसमें 15 प्राइमरी और 13 सब ग्रुप होते हैं। तो हाउ टू क्रिएट न्यू ग्रुप, अगर न्यू ग्रुप आपको क्रिएट करना है उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको है एक ही नेचर के लेजर के कलेक्शन को ग्रुप कहा जाता है, एक ही नेचर के लेजर को। टेली से पहले ही कई ग्रुप बने होते हैं, लेकिन आप स्वयं का ग्रुप बना सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ ग्रुप मिलेंगे, अभी आपको दिखाते हैं। तो किस प्रकार से बनाना है, गेटवे ऑफ टेली पे आपको जाना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन ग्रुप, सिंगल ग्रुप और क्रिएट। तो देखते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं पहले। तो ये है F1 आपको दबाया, इसको पहले हटाते हैं यहाँ से, बैक गए अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आप गए। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है ग्रुप का, आप देख सकते हैं ग्रुप लेजर स्टेशनरी इन्फॉर्मेशन वाउचर टाइप। तो हमको किस पे जाना है, ग्रुप पे जाना है। तो ग्रुप पे हमने क्लिक किया, अब यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है सिंगल ग्रुप का और मल्टीपल ग्रुप का। तो सिंगल ग्रुप के ऑप्शन हम लोग क्लिक करेंगे पहले, उसमें आपको क्रिएट मिलेगा, जैसे कि मान लिया आपको नया बनाना है। उसके बाद ऑप्शन आपको मिलता है डिस्प्ले, यानी कि आपने जो बनाया ग्रुप उसको देखने के लिए। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको अल्टर का, अल्टर का मतलब है आपको जो ग्रुप बनाया उसको डिलीट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ग्रुप बनाएंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपका ग्रुप पूछा जा रहा है कि इस प्रकार से आपको ग्रुप पर नाम डालना है और कैपिटल यहाँ पूछा गया है, और ग्रुप किसके सब लेजर में रहेगा, यस नो, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। तो नीचे चलते हैं देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आपको दिए गए। तो इस प्रकार से आप गए अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे, वही मैंने आपके चित्र में डाल दिया स्क्रीनशॉट जिससे कि आपको समझ में आएगा। ग्रुप में गए, क्रिएट में गए और इस प्रकार से जयपुर सिटी जैसे कि इसमें डाला गया, तो ये आपको डाल के बता देते हैं हम।
अब यहाँ पे जयपुर सिटी, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, जहाँ जिस भी ग्रुप की आप बनाना चाहते हैं, जो कंपनी आपके हो, वर्क कर रही हो, तो मान लीजिए डाल देते हैं दिल्ली, आपका दिल्ली सिटी डिस्ट्रिक्ट ब्यूटर। तो इस प्रकार से आपने डाल दिया, अलाइज इसमें आपको कुछ नहीं रहेगा कैपिटल। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी आपकी लिस्ट ऑफ ग्रुप आपको ऑटोमेटिकली मिल रही है, और आपने अभी कौन से बनाई है, दिल्ली ऑफ सिटी। तो ये किसके अंतर्गत आएगी, अब आपको ये बैंक अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, किसके अंतर्गत आएगी आपको बता देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपकी आती है सारी, जैसे कि इनका अंडर है सेंडरी डिबेटर्स के अंदर आया, तो आपको उसके अंदर देखना है आपको किस में उसमें फिक्स कराना है। तो अंडर जो आपका आएगा सेंडरी डिबेटर्स, इस प्रकार से आपने यहाँ डाल दिया, बाकी यहाँ पे इसी प्रकार से रहेगा। और नॉट अप्लीकेबल आपका है, जैसे कि क्वांटिटी वैल्यू जो भी हो वो अगर हो तो डाल दें, नहीं हो तो यस पे आप क्लिक कर देंगे, तो आपकी एक जो आपकी ग्रुप थी वो क्रिएट हो गई। अब डिस्प्ले करना है, तो अब आपको देखना है दिल्ली का, दिल्ली सिटी डिस्ट्रीब्यूटर का जो आपके है वो इस प्रकार से इसके अंदर आया था संडे, या कोई उनको अकाउंट हो तो अकाउंट डाल ले। मैंने एग्जाम्पल तौर पर लिया है, जो कि आपको पीडीएफ के अनुसार मैं समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए, नहीं तो अगर कुछ और ऑप्शन बताएंगे तो आप बोलेंगे पीडीएफ में कुछ और है और आपको जो बता रहे हैं। तो ये आपके अनुसार आपको क्रिएट करना होता है, जो कंपनी का डिमांड हो उसके अनुसार, यानी कि वहाँ पे पूछा जाएगा, जब कोई भी कस्टमर आपके पास आएगा आपके काम के लिए, तो वो आपको खुद ही बताएगा कि आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, जो भी आपको काम होगा उसके अनुसार आपको ग्रुप में उसको ऐड करना है। तो ग्रुप का नाम एंटर करें, अलियास मतलब है रेफरेंस के लिए, अगर आप अपना नाम चाहते हैं तो वहाँ पे नाम दे दें। मैं एक एक ऑप्शन बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद अंडर को ऑप्शन मिलता है, तो टैली में पहले से ही आपको डिफाइंड ग्रुप मिलते हैं, कई भी पेरेंट्स ग्रुप में सेलेक्ट कर सकते हैं आप। और ग्रुप बिहेव लाइक सब लेजर क्या होता है, ये ऑप्शन कहाँ से आपको मिल रहे हैं, तो ये आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ये देखिए नेम है, अंडर है, ग्रुप ऑफ बिहेव, ये सारे चीज़ें ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए, हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे तो ग्रुप लेजर के लिए कंट्रोल अकाउंट की तरह काम करना, यानी सिर्फ ग्रुप का बैलेंस दिखेगा, ना ही लेजर के हिसाब आपको दिखेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन मिलता है नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड बैलेंसिंग रिपोर्ट, अगर आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं तो ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जगह ग्रुप की नेट अमाउंट आपको वहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन है, डेबिट कार्ड यहाँ पे अगर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप इसको एक्टिवेट कर दें, जिससे कि आपको जब आप प्रिंट करेंगे लेजर को, तो अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे है ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट और क्रेडिट कार्ड की बैलेंस की जगह इस ग्रुप की नेट अमाउंट आपको वहाँ पे दिखेगी। उसके बाद आप यूज ऑफ कैलकुलेशन करना, अगर आप इस ग्रुप को अकाउंट करते हैं तो ड्यूटी ऑफ टैक्स लागू करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसमें अगर आपको टैक्स वगैरह लागू करना है तो इसको आप एक्टिवेट कर दें, जिससे कि बाद में जब आप उसको कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे आप उसमें आराम से टैक्स वगैरह को भी इस ग्रुप के लेजर में आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर होते हैं, इस प्रकार से काम करते हैं। तो सिंपल सा ग्रुप क्रिएट करना आपको मैंने बता दिया, फिर से एक ग्रुप आपको बता देते हैं बनाना, किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले बैक चलते हैं, तो आपने F1 दबाया, कंपनी तो आपकी सिलेक्ट है, गेटवे ऑफ टेली पे गए, उसके बाद अकाउंट फीचर, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट है, सिंगल ग्रुप पे गए, क्रिएट किया, मान लीजिए कोई भी आप ग्रुप डाल देते हैं, यहाँ पे जयपुर वगैरह डाल देते हैं मैं, जयपुर सिटी, और यहाँ पे एलआईएस में अपना नाम डाल सकते हैं या कंपनी का नाम डाल सकते हैं, जो भी आप डाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डाल सकते हैं, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे मान लीजिए मैंने विकास डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और अंडर किसके अंडर आ रहा है, ये आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये, या आपको डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश इन हैंड दे रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं वो आपको है, जैसे कैपिटल अकाउंट है, क्या ये आपसे डिमांड कर रहे हैं, किसके अंतर्गत ग्रुप आ रही है आपकी, वो आपको यहाँ पे डालने होते हैं। सारे ग्रुप यहाँ पे दिए गए, कोई परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपसे कुछ बैंक अकाउंट आपका कुछ कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आपने डाल दिया। और ग्रुप बिहेव किस प्रकार से, यस नो अगर नहीं डालना चाहते हैं, डेबिट डेबिट ओपन करना चाहते हैं तो यस कर दें, और टैक्स वगैरह ऐड करना है तो यस कर दें। उसके बाद नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे यस पे आपने क्लिक कर दिया, आपकी लेजर जो थी वो यहाँ पे क्रिएट हो गई, डिस्प्ले कर लेंगे आप यहाँ पे जाके, तो जयपुर आपको ये मिल गई, इसको आपने ओपन किया, इसमें सारे फीचर एक्टिवेट है। अब जब इससे आप काम करेंगे आगे की तरफ, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे यस का ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया था तो वो एक्टिवेट हो जाएगा वहाँ पे ऑप्शन आपका। तो सिंपल सही तरीका है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या ऑप्शन हमारे पास है। तो दो फीचर मैंने आपको इसमें समझा दिया, तो अब आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं आगे इसमें आप क्या करना है। तो इससे पहले हम लोगों ने ग्रुप को क्रिएट करना सीखा था, अब इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आप अकाउंट के ऑप्शन में जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, तो आपको डिस्प्ले और अल्टर का ऑप्शन मिलता है,
तो डिस्प्ले का मतलब क्या है आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए आपको कंपनी सर्च करनी है, तो यहाँ पे आपने जाके जयपुर सिटी कंपनी सेलेक्ट कर ली और उसको देख लिया। अब उसके बाद आपको ऑप्शन क्या मिलता है, यहाँ से कंपनी आपने देख ली, आपने कंपनी बनाई थी, अगर आपने 10-15 कंपनी बनाई तो उसको कुछ प्रकार सर्च करना है, तो आपको जाना है किस ऑप्शन पे, तब आपको यहाँ पे जाना है डिस्प्ले ऑप्शन पे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है अल्टर का, यानी कि अल्टर का मतलब है अगर आपको एडिट करना है या फिर उसको डिलीट करना है। तो यहाँ पे है ग्रुप में किसी भी इंफॉर्मेशन को परिवर्तन करने के लिए मेन्यू में अल्टर को सिलेक्ट करते हुए हम सिंगल या मल्टीपल ग्रुप को परिवर्तन कर सकते हैं। ग्रुप तैयार करने के बाद अगर आपको इसमें बदलाव करना है सिंगल या मल्टीपल ग्रुप में तो किस प्रकार से जाना है, वो यहाँ पे स्टेप दिया गया है। अब सिंगल ग्रुप में आपको किस प्रकार से करना है, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप में जाएं और उसको चुनें और चेंजेस करें, उसके बाद यस या नो पे क्लिक कर दें। उसके बाद क्या ऑप्शन है आपको नीचे देखते हैं, तो ये है ऑल्टर का ऑप्शन, मैंने डायग्राम भी डाल दिया है उसके, उसी प्रकार से मल्टीपल ग्रुप का है तो मल्टी दोनों में आपको ऑप्शन मिलते हैं। और किस प्रकार डिलीट करना है उसको भी दिखा देते हैं। तो अल्टर पे गए और वही चीज है, आप ज्यादा कुछ लिखा नहीं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आपको किस प्रकार से। अल्टर के ऑप्शन पे गए और लिस्ट आपको दिखेगी ग्रुप की वहां पे, उसके बाद ग्रुप को आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको कौन सी प्रेस की करनी है, जैसे कि मान लीजिए आपको ये डेबोटस ईस्ट, तो यहाँ पर डिलीट किए जाने पर ग्रुप को सिलेक्ट करके ऑल्ट और डी आपको दबाना है, यस और नो पूछेगा और आपको डिलीट कर देना है। तो ये तो आपके हो गए थ्योरी की नोट्स, अब चलते हैं लाइव देखते हैं किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अल्टर के ऑप्शन पे, क्योंकि हमने मल्टीपल ग्रुप अभी तक क्रिएट नहीं किया है, तो सिंगल ग्रुप पे चलते हैं। अल्टर के ऑप्शन है, तो ये दिल्ली सिटी डिस्ट्रीब्यूटर हमने क्रिएट किया था, इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे इसमें एडिट करना चाहते हैं, इसका नाम कुछ और डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से आगरा कर दिया, जैसे मान लीजिए आपने चेंजमेंट कर दिया, यहाँ पे आगरा डिस्ट्रीब्यूटर से आपके, तो अपने यहाँ पे आपने चेंज कर दिया और यस कर दिया, तो आपका वो नाम यहाँ पे अब चेंज हो गया, अब आगरा डिस्ट्रीब्यूटर नाम से आ गया। अब आपको इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे आपने ओपन कर लिया, ऑल्ट और डी आपको दबाना है। ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ये आपको शॉर्टकट की इसको याद करनी होती है। अब यहाँ पे यस आपने कर देंगे तो ये आपका जो आगरा वाला था डिलीट हो गया। उसी प्रकार से आपको जयपुर सिटी का डिलीट करना है, तो इस पे गए और ऑल्ट और डी दबाया, यस और नो पूछेगा, तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको डिलीट नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको एक बता दिया डिलीट करके, तो ऑल्ट और डी का हम लोग प्रयोग प्रयोग यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ वापस आ जाते हैं बाहर, तो उसी प्रकार से मल्टीपल का ऑप्शन है, मल्टीपल देख लेते हैं किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल लेजर एक ही चार्ट में आपको दिखाई देंगी, तो अब ये किसके अंडर ग्रुप में आती हैं वो यहाँ पे होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। पहले थ्योरी पे चलते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास नया चैप्टर है, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है, तो वही मल्टीपल ग्रुप है उसको आपको बता देंगे। उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे हाउ टू क्रिएट लेजर इन टेली, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पे स्टार्ट है हाउ टू क्रिएट लेजर। अब आपको लेजर तो ग्रुप मल्टीपल वाला आपका वही है, अंडर ग्रुप के अंदर किसी पहले आपको एक ग्रुप सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो मान लीजिए आपको जैसे कि जयपुर वाला था, आपको जयपुर सिटी के अंतर्गत आपको मल्टीपल यहाँ पे ग्रुप बनाने हैं, तो जयपुर सिटी के अंदर मान लीजिए आपका आगरा डिस्ट्रीब्यूशन है या आगरा फॉर्म है, कोई कुछ जैसा भी आपकी डिमांड हो उसके अंतर्गत आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए लखनऊ हो, LUCKNOW, लखनऊ सिटी, तो जो भी हो उसके अंतर्गत आपकी यहाँ पे आती जाएंगी और ये अपरेंटली आपकी जो है वो क्रिएट होती जाएंगे, और आपने बना ली। उसके बाद आप उसको मल्टीपल में जाकर डिस्प्ले कर लेंगे, तो आगरा फर्म आपकी यहाँ पे आ गई, तो जयपुर सिटी के अंदर आपने उसको क्रिएट किया था, इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर आपकी दो लेजर आपकी बनी हुई है। अब वही आपको इसको डिलीट करना है, तो आपको मल्टीपल में जाके अल्टर पे जाएं, क्लिक करेंगे और आप गए जयपुर सिटी के अंदर, दो फॉर्म आपको मिलेंगी, ऑल्ट डी दबाया आपने और यहाँ पे उसको एडिट कर सकते हैं आप। तो जो भी करेक्शन यहाँ पे करना है वो आप इसमें कर सकते हैं। अब जो लेजर आपको डिलीट करनी है उस पर आप गए, उसको आप यहाँ से डिलीट और एडिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलते हैं, अगर आप इसमें देखना चाहें तो पेरेंट है, न्यू पेरेंट है, स्किप नेम करना है, स्किप पेरेंट, तो सारे ऑप्शन मिलते हैं कि अलग अलग यहाँ पे वर्क है यहाँ पे आपका। तो ये आपकी मल्टीपल ग्रुप हो गई और डिलीट आपने डिलीट करना सीख लिया, डिस्प्ले करना सीख लिया और आपने उसको क्रिएट करना सीख लिया। अब बाहर चलते हैं यहाँ से, अब आपको बताते हैं कि अब इसमें और नया फीचर जो हमारे पास है वो है हाउ टू क्रिएट अ टैली, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।